शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस को लेकर शहीद भगत सिंह ब्रिगेड इन दिनों पंजाब से लेकर दिल्ली तक एक यात्रा निकाल रही है, जिसमें वो शहीद भगत सिंह की समाधि की पावन मिट्टी को अलग अलग शहरों के रास्ते दिल्ली लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये यात्रा आज अम्बाला पहुंची, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने खुद यात्रा को जोर शोर के साथ स्वागत किया और भगत सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए। यात्रा के साथ चल रहे शहीद भगत के पड़पौत्र यादविंदर सिंह की माने तो देश में शहीदों की शहादत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। वहीं उन्होंने देश में शहीद संग्रहालय बनाने की मांग भी की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये कहावत अब महज कहावत न रहकर असली सिद्ध होती दिखाई देने लगी है। सभी क्रांतिकारी उनका नोटिफिकेशन होनी चाहिए, जो तथाकथित देश को आजाद कराने वाले लोग हैं उनके अतिरिक्त जिन्होंने सही मानों में अपनी शहादतें दी, फांसियों के फंदे पर चढ़े, काले पानी में रहे, उन सारों की एक किताब छपनी चाहिए। मिट्टी लेके आए पावन उस समाधि की, ताकि लोगों के बीच में मिट्टी जाए। हमारी जो मेन मांग है कि हिंदुस्तान में एक भी शहीद संग्रहालय नहीं है, एक शहीद संग्रहालय बनाया जाए जहाँ पे हमारे भारत के वासी जाके देख सके ये आजादी हमें खैरात में नहीं मिली, इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, उसकी कीमत को वो लोग समझ सके और इसका हम लोग मिट्टी की मेमोरेंडम राष्ट्रपति को देंगे जाके। अम्बाला से जाट टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।